This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, so once again welcome back to our channel. तो देखिए ज़्यादा मैं बात करूँगा नहीं सीधा आपको 25 सितंबर 2020 की कॉल्स की तरफ ले चलता हूँ. उससे पहले मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहूँगा. तो देखिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न थी गैप फिल कैसे होगा और गैप फिल नहीं कैसे होगा ये हमें कैसे पता चलेगा देखिए सबसे पहले देखिए दो दिन का एग्जांपल है आज का और कल का जैसे मतलब लास्ट डेट जब हुई थी ट्वेंटी ट्रंट, थर्ड का और आज का तो इन इसमें देखिए यहाँ पे ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसमें क्या हुआ कि गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आया और नीचे आने के बाद ये दोबारा फिर ऊपर बढ़ने लगा ऐसे में आपको गैप फिल होता है गैप फिल कैसे होता है जैसे जो भी मैं बाइंग प्राइस मान लीजिए मैंने बाइंग प्राइस दे रखी थी आपको यहाँ कहीं पे, इस लाइन में मैंने आपको बाइंग प्राइस दे रखी थी ये गैप यहाँ ओपन होने के बाद डाउन आया उसके बाद यहाँ से बढ़ा तब आप इसे बाय कर लेंगे ईजिली बाय कर लेंगे एकदम से देखिए नीचे आने के बाद इसे मान लीजिए इसी उसमें देखिए जैसे मैंने आपके लिए खाली कर दिया मान लीजिए ये हमारा बाइंग प्राइस लगभग लगभग लग यहाँ पे था इस लाइन पे खाली इमेजिन कीजिए यहाँ पे जो था ये गैप अप ओपन होने के बाद ये एकदम से नीचे आया इसने होल्ड ले लिया एक मिनट का और दोबारा से यूं बढ़ गया तब आप इसे बाय नहीं करेंगे ऐसी कंडीशन में आपको इसको बाय नहीं करना है ऐसी कंडीशन में बाय नहीं करना है बायकअप करना है जैसे ये नीचे आया उसने होल्ड लिया यहाँ पर उसके बाद ये ऊपर बढ़ा ये हमारी बाइंग प्राइस है होल्ड लेने के बाद ये ऊपर बढ़ा तब आप बाय करेंगे ऐसी कंडीशन में और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जैसे ये आज की कंडीशन थी आज, का आज, का आज काफ़ी सारे स्टॉक्स जो थे वो गैप डाउन ओपन हुए तो ये देखिए यहाँ पे अगर स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद ये स्टॉक यहीं तक आया अगर यहाँ पर आता और हमारा शॉर्ट सेलिंग प्राइस जो थी यहाँ पे थी यहाँ पे आने के बाद ये होल्ड लेता उसके बाद ये डाउन जाता तब आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं ये बात ध्यान रखिएगा एक मिनट का होल्ड लेगा अप एंड डाउन करेगा यहाँ पर कहीं ये हमारी मान लीजिए मैंने आपको बाइंग प्राइस दे रखी है और ये हमारी शॉर्ट सेलिंग प्राइस इसके बीच में ये स्टॉक गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ जाने के बाद ये यहाँ पर कहीं पर होल्ड लेगा उसके बाद अगर नीचे आएगा तब तो आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे बाई साइड के लिए कोई कंडीशन नहीं है नीचे से आया ऊपर जाते रहा जाते रहा कंटिन्यूअसली लेवल ब्रेक करके ऊपर चले गया तो आप इसे बाय कर लेंगे होल्ड का वेट नहीं करेंगे वैसे ही गैप डाउन में आपको होल्ड का वेट नहीं करना है शॉर्ट सेलिंग की कॉल सॉरी गैप अप में आपको होल्ड का वेट नहीं करना है शॉर्ट सेलिंग की कॉल इजीली ले सकते हैं गैप अप में जो है आपको बाय साइड का ध्यान रखना है और गैप डाउन में आपको शॉर्ट सेलिंग साइड का ध्यान रखना है तो कल के लिए जो स्टॉक है अब मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा जैसे एम एन एम मैंने चुना है आपके लिए बाइंग का लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा नाइन सॉरी फाइव एट्टी सिक्स पॉइंट वन जीरो जब ये लेवल का प्राइस हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे स्टॉप लॉस रहेगा फाइव एट्टी वन का टारगेट रहेगा फाइव एफ्टी नाइन फाइव नाइनटी सिक्स और सेवन सॉरी सिक्स हंड्रेड टू का और शॉर्ट सेलिंग प्राइस देखिए कि इसकी फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन जीरो जब हो जाएगी तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे स्टॉप लॉस रहेगा आपका फाइव एट्टी वन का टारगेट रहेगा फाइव सेवेंटी थ्री फाइव सिक्सटी एट और फाइव सिक्सटी का देखिए अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं आप हमारी प्लेट कॉल्स देखना चाहते हैं या फिर सब्सक्राइबर्स आप हमें प्लान सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा आप प्लान सब्सक्राइब कर दीजिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम चैनल पर कॉल प्रोवाइड करता हूँ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा वहाँ पर ज्वाइन होना बहुत जरूरी है मॉर्निंग में मैं वहीं पर दो कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा पी की एल बात करूँ तो आप बाय करके चलेंगे थ्री सेवेंटी नाइन पे टारगेट रहेगा थ्री सेवेंटी सिक्स एटी वन का और थ्री एटी सिक्स और थ्री नाइनटी टू का स्टॉप लॉस रहेगा आपका थ्री सेवेंटी सिक्स का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी थ्री सेवनटी फाइव की रहेगा थ्री एट का टारगेट रहेगा सेवनटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो थ्री और थ्री सिक्सटी सिक्स का ध्यान रखेंगे स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा जैसे मान लीजिए आपने बाय कर लिया थ्री सेवेंटी नाइन पॉइंट वन जीरो पे और ये एक्जैक्ट आगे थ्री सेवेंटी सिक्स पे तो आपके ऐसे हिट नहीं होगा थ्री सेवेंटी सिक्स से अगर ये नीचे जाने लगेगा तब आपका ऐसा लिट होगा वैसे ही शॉर्ट सेलिंग के टाइम में ये थ्री सेवेंटी एट से ऊपर जाने लगेगा तब आपका ऐसे हिट मानेंगे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा कोई भी आपकी क्वेरी हो या फिर हमारा प्लान खरीदना चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट मार सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉट कॉम डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ